नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, झारखंड टेट को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट है, आप सभी के साथ मैं डिस्कस करूंगा, डिटेल में बात करेंगे। हम जो आज चर्चा करने वाले हैं वो महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम बात करेंगे सिलेबस की। हालांकि मैंने इससे पहले एक वीडियो बना दी थी जिसमें कि मैंने आपके साथ डिटेल में बात की थी सिलेबस के ऊपर, इसका सिलेबस क्या रहेगा। अब ये दोबारा से वीडियो मुझे इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि उस वक्त हमारे पास कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं था, लेकिन अब जो झारखंड की जो वेबसाइट है, जो झारखंड टेट कराएगी, जो कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची करके एक वेबसाइट है, वहां जाएंगे तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सिलेबस मिल जाएगा। जब सिलेबस आया तो इस बात की खुशी थी कि चलो ठीक है, ऑफिशियल सिलेबस आ चुका है, अब हम अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं, किसी तरीके का कोई भटकाव हमें दिखेगा नहीं। लेकिन सिलेबस देखने के बाद, पढ़ने के बाद एक निराशा मुझे हाथ लगी, वो इस बात को लेकर की थी कि जो उम्मीद हम करते हैं, जो खासकर जब हम बात करते हैं शिक्षा विभाग की, कि किसी भी सरकारी शिक्षा विभाग से, कि अगर आप भर्ती कर रहे हो शिक्षकों की तो ठीक है, आपका अपना एक प्रोसीजर है, लेकिन मैं एक जनरल बात ही पूछता हूँ कि जब हम किसी टीचर को स्कूलों में भेजेंगे तो वहां पे उसका उद्देश्य क्या होगा। आखिर मेन उद्देश्य तो ये है बच्चों को पढ़ाना, और जब बात होती है बच्चों को पढ़ाने की तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये होता है कि जो शिक्षक बन के जा रहे हैं क्या उनमें इतनी योग्यता है, क्या वो इतनी इतना क्वालिफिकेशन, इतनी नॉलेज, इतनी स्किल्स रखते हैं या नहीं रखते, ये महत्वपूर्ण सवाल होता है। सिलेबस देख के ये बात मुझे समझ में आ गई है कि ये काफी हद तक इररिलेवेंट है। जो मेन उद्देश्य होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का कराने का, उससे बिल्कुल ही अलग इनका उद्देश्य है। मुझे लग रहा है कि शायद इन्होंने ये सोचकर कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इस हिसाब से सिलेबस को डिजाइन कर दिया है, और सिलेबस में भी बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही छोटा सिलेबस दिया है। और ये सिलेबस मैं आपको साफ साफ कहता हूँ बहुत ही इनकम्प्लीट सिलेबस है। आप देखिएगा कि जब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस है। खैर, मैं डिटेल में बात करूंगा, मेरे पास यहाँ पर सिलेबस भी है झारखंड टेट का, जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लैंग्वेज की, लैंग्वेज वन जो कि हिंदी है, इसमें आप देखें तो इन्होंने क्या सिलेबस रखा है, रचनात्मक लेखन, जनसंचार माध्यम, और इसके अलावा रचनात्मक लेखन में भी इन्होंने क्या रखा है कि निबंध, कार्यशैली, कार्यालय पत्र, रिपोर्ट, समाचार, संपादकीय, जनसंचार माध्यम के विविध रूप, अपठित गद्यांश बोध, काव्यांश बोध, प्रयोग, रचनात्मक रचनांतरण, शीर्षक आदि, इन पर कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। इसके अलावा फीचर लेखन होगा, आरोह भाग, वितांत भाग, व्याकरण होगी, इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब आएंगे। इसमें कहीं भी ये नहीं कह रखा कि भी पेडागोजी ऑफ हिंदी होगी, इन द सेंस बढ़ाना कैसे हिंदी, उस पर बेस्ड कुछ भी इसमें मेंशन नहीं है कि भाई शिक्षण के कौन कौन, हिंदी शिक्षण के कौन से सिद्धांत होते हैं, कौन सी विधियां होती हैं, और एक हिंदी शिक्षक के रूप में आपके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ये कहीं भी इसमें मेंशन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी आप देखेंगे अनसीन पैसेज है, टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, आइडियम्स फ्रेजेस है, सिनोनिम एंटोनिम्स है, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ज्यादातर पूछे जाते हैं। इन द सेम वे यहाँ पर भी मैं कहूंगा कि पेडागोजी की कहीं पर बात नहीं की गई है। लैंग्वेज वन उर्दू एज पर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सिलेबस जो कि कंडक्ट कराया जाता है। वहीं मैथमेटिक्स की बात करें, हालांकि मैथमेटिक्स का सिलेबस जो कि बहुत ही इररिलेवेंट सिलेबस मैं कहूंगा क्लास 1-5 के लिए, मुझे लग रहा है कि वो टीचर्स की सिर्फ नॉलेज को चेक करना चाह रहे हैं, उनको लग रहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और इसमें जो अच्छा स्कोर करेगा उसका जेटेट क्वालिफाइड होगा, जबकि ऐसा नहीं है। आपको बस ये देखना है कि एक टीचर जो कि शिक्षक के रूप में जब जा रहा है विद्यालय में पढ़ाने, तो उसके अंदर वो उचित कौशल है या नहीं है जो कि आवश्यक है एक शिक्षक के रूप में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, बजाय कि इसमें आप देखेंगे मैथमेटिक्स में क्या सिलेबस दे दिया है, डिफरेंशियल कैलकुलस दे दिया है, इंटीग्रल कैलकुलस दे दिया है जो कि बहुत ही एडवांस लेवल की मैथमेटिक्स होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिया है, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, ये बस एक टीचर की नॉलेज चेक करेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। ये जो टॉपिक्स हैं ये स्कूलों में नहीं पढ़ाए जाते हैं, क्लास 1-5 को मैं कह रहा हूँ, क्लास 1-5 ये नहीं पढ़ाए जाते, तो बस ये नॉलेज चेक कर रहे हैं आपकी, आपके स्किल्स से इनको कोई मतलब नहीं है कि आप सचमुच में एक अच्छे शिक्षक हैं या नहीं। अब आप इसको समझिए, इसका सिलेबस कुछ ऐसा दे दिया, इसमें सीडीपी को हटा दीजिए आप, मैं कह रहा हूँ सीडीपी को हटा दीजिए, बाकी चीजें देख लीजिए, बाकी चीजें जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो कोई इंजीनियरिंग जो करके आ रहा है वो भी इस एग्जाम्स को इजिली क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है। जबकि इनको पेपर ऐसे डिजाइन करना चाहिए था कि सिर्फ जो टीचर्स, जो क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, जो प्रॉपर कोर्स करते हैं
और जिनके पास एक अच्छी स्किल्स होती है, नॉलेज होती है, उनका उनकी एलिजिबिलिटी को उनको चेक करना चाहिए था, जो कि इसमें मुझे यहाँ पर कमी नजर आती है। सीडीपी की बात करेंगे, मैं डिटेल में सीडीपी की बात करूंगा। इसका रीजन ये है कि मैं सीडीपी पढ़ा रहा हूँ अभी, और मेरा पूरा जो सीरीज है सीडीपी की वो मैं ऑलरेडी काफी चीजें करवा चुका हूँ, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। इससे पहले दो सेक्शंस और हैं, जैसे कि जनरल स्टडीज, जिसमें कि सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। यहाँ पर ये मेंशन नहीं कर रखा कि वो झारखंड सामान्य ज्ञान होगा या ऑल ओवर इंडिया की बात करेंगे, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि इसमें झारखंड से संबंधित सामान्य ज्ञान अधिक होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि इंडिया से रिलेटेड हो, जैसे कि अभी ओलंपिक्स वगैरह चल रहे हैं तो उसमें मेडल्स को लेकर के हो सकता है, कुछ फेमस फेस्टिवल्स या इंटरनेशनल नेशनल फेस्टिवल्स पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, नेशनल डांसेस हो सकते हैं, कुछ क्लासिकल डांसेस हो सकते हैं, इन पर कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अदरवाइज झारखंड से रिलेटेड ज्यादा सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है। बाकी जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संथाली, बंगला, खड़िया, संस्कृत, इन पर संबंधित कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सिलेबस है। अब हम बात करेंगे डिटेल में सीडीपी के सिलेबस की। सीडीपी के सिलेबस की हम डिटेल में बात करेंगे, जिसमें कि आप देखेंगे इन्होंने बहुत ही कम चीजें इसमें बता रखी हैं। सीडीपी में बहुत सारी चीजें होती हैं, इन्होंने बहुत ही कम बता रखी है। अगर मैं कहूं कि आप कंप्लीटली इस पर डिपेंड रहिए, इसको इसके हिसाब से तैयारी करिए, तो मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। आप क्या करिए, आप पहले इसको खत्म करिए, जो चीजें यहाँ सिलेबस में दे रखी हैं उसको कंप्लीट करिए, उसके बाद एक सीटेट का सिलेबस होता है उसको उठाइए और उसमें जो जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हो रहे हैं उनको भी कवर करिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, इससे होगा या जो भी कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि मुझे इस बात की संभावना बिल्कुल नजर आ रही है कि ये सिलेबस जो है इनकम्प्लीट है और आपको इसके अलावा भी बहुत चीजें तैयार करनी है। हालांकि सिलेबस बहुत प्रिसाइज है, इसको अगर मैं डिटेल में समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि क्या क्या कुछ पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पे व्यवहार की बात हो रही है कि बाल व्यवहार यानी कि बिहेवियर। तो एक तरीके से आपको बिहेवियर के बारे में पढ़ना है, बिहेवियर के कुछ यहाँ पे प्रिंसिपल्स दे रखे हैं उनकी बात करनी है, जैसे कि सिद्धांत लिखा है व्यवहार के, आपको सिद्धांत पढ़ने हैं। व्यवहार के सिद्धांत में कौन सी थ्योरीज आ जाती हैं, इसमें स्किनर की आ जाती है थ्योरीज, जो कि व्यवहार को लेकर है, पेवलोव की आ जाती है, ये भी व्यवहार को लेकर के है कि किस प्रकार से बच्चा व्यवहार सीखता है, कनेक्शनिज्म, कंडीशनिंग, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। इसके अलावा एक तरीका और होता है गेस्टाल्ट का भी, वो भी हम सारी चीजें कवर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा उसके बाद कुछ निर्धारक तत्व है कि व्यवहार को निर्धारित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं, तो ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल हो जाते हैं, कुछ हेरिडिटरी भी हो जाते हैं, इसके अलावा सोशल इंटरेक्शन हो जाता है, सोशल फैक्टर्स हो जाते हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे व्यवहार को निर्धारित करती हैं, इस पर हम डिटेल में बात करें। फिलहाल तो मैं सिलेबस की बात कर रहा हूँ, हम कैसे तैयारी करेंगे उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा कुछ अध्ययन विधियां हैं जिस पर हमें बात करनी है। अध्ययन विधियां मतलब व्यवहार के अध्ययन की विधियां, ध्यान रखिएगा ये व्यवहार के अध्ययन की विधियां हैं, जिसमें कि अवलोकन, साक्षात्कार, जीवन इतिहास यानी कि केस स्टडी जिसको कहते हैं, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब ये सारी चीजें ऑलरेडी हम कवर करेंगे, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने बात की थी इन पे कि हम बात करेंगे। कुछ चीजें हैं जो कि इन्होंने अलग से ऐड कर दी है, वो लग रहा है कि हमें कुछ नया, लेकिन वो नया नहीं है। जैसे कि व्यवहार के सिद्धांत की बात करेंगे तो वहां पे जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, स्किनर, पेवलोव और थॉर्नडाइक, इन सबकी थ्योरीज हम कवर करेंगे, गेस्टाल्ट को भी अच्छे से समझेंगे, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। निर्धारक तत्व में और विधियों की जब हम बात करेंगे तो वो ऑलरेडी इस टॉपिक में कवर हो जाएगा कि किस किस विधि की बात इसमें की जाती है। फिर आता है वृद्धि और विकास, अगला जो तो है वो है वृद्धि और विकास। अब इस पर क्योंकि ऑलरेडी मैंने लेक्चर स्टार्ट कर दिया है, आप देखेंगे तो मैंने वृद्धि और विकास से संबंधित बहुत सारी चीजें आपको करवा चुकी है। जैसे वृद्धि और विकास, इसकी अवधारणा को समझना पड़ेगा हमें, किसकी अवधारणा क्या होती है, मैंने डिटेल में बात कर ली है इस पर, आप जाइए और चेकआउट करिए जाकर के, जो प्लेलिस्ट है मेरी झारखंड टेट को लेकर के मैंने अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें कि मैंने अब तक 7-8 लेक्चर डाल दिए हैं और वो काफी क्वालिटेटिव है, आपको कुछ फालतू की बात नहीं उसमें, जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है वही सारी चीजें उसमें है। तो वृद्धि और विकास से संबंधित अवधारणा हमने डिटेल में बात की थी, वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है, इसके अलावा हमने परिपक्वता यानी कि मैच्योरेशन की बात की थी, इनमें क्या बेसिक अंतर होता है, ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, इनको आपस में हमने कंपैरिजन किया था
और ये किस प्रकार से बढ़ती हैं, डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, वृद्धि किस प्रकार से होती है, इस पर हमने बात की थी। तो अवधारणा तो हमने समझ ली थी। इसके अलावा आ जाता है विकास की अवस्थाएं, कि भाई विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, जिसपे हमने बात कर ली है डेवलपमेंटल स्टेजेस, जिसमें कि हमने देखा था इन्फेंसी, अडल्टहुड, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, और ये सारे इसमें स्टेजेस थे। तो हमने डिटेल में बात की थी उसके बारे में, डेवलपमेंटल स्टेजेस कौन कौन से होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट्स, डेवलपमेंटल टास्क, ये सारे कंसेप्ट इसी के अंदर आ जाते हैं, जिसको कि आपको कवर करना है। आप ये सारी वीडियोस देख सकते हैं, वहां पे अवेलेबल है। इसके अलावा विकास की अवस्थाएं जैसे बता रखा है बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक। इसके अलावा इसमें कुछ डायमेंशन भी हैं कि बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन, बौद्धिक, सांवेगिक और भाषावाद, सांवेगिक एवं भाषा। तो अगर आप इसके अनुसार चलेंगे तो शारीरिक मैं करवा चुका हूं, बौद्धिक अभी हम कर रहे हैं, एक वीडियो मैंने बनाई थी उस पर, एक वीडियो जल्दी आएगी जिसमें कि थ्योरीज रहेगी थी बौद्धिक विकास से संबंधित, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित जो हमारी थ्योरीज हैं वो रह गई हैं, बाकी मैंने बेसिक चीजें समझा दी हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जल्दी मैं आपको इमोशनल और लैंग्वेज डेवलपमेंट भी कराऊंगा। हालांकि मैं सिर्फ इतना नहीं करा रहा हूं, मैं इससे एक्स्ट्रा करा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि क्या क्या चीजें आ सकती हैं, पूरा सीडीपी का सिलेबस मैं समझता हूं। इसके अलावा मैंने इसमें आपको मोटर डेवलपमेंट भी करवा दिया है, इसके अलावा दो तीन और मैं एक्स्ट्रा कराऊंगा, जैसे कि नैतिक विकास जो कि इसमें मेंशन नहीं है उसको भी हम समझेंगे, ठीक है। इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। अब इसके बाद आ जाता है कि विकास एवं समायोजन, कि समायोजन कैसे होता है। तो व्यक्तित्व की बात हो रही है, यानी कि पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, इस पर हम चर्चा करेंगे। अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं है, लेकिन जल्दी हम व्यक्तित्व पर बात करेंगे। इसके अलावा व्यक्तित्व के विकास में वंशानुक्रम, जैविक और वातावरण का महत्व, जिसको कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट कहते हैं, इस पर मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना दी है। हेरिडिटी एनवायरनमेंट पे हम चर्चा कर चुके हैं, हमने समझा था कि कैसे बच्चे के विकास में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का असर होता है, इनके हम बेसिक प्रिंसिपल भी समझ चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा विद्यालय, समुदाय, परिवार में समायोजन की महत्वपूर्ण तकनीक कौन कौन सी है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, ये कोई यहाँ पे कुछ भी हमें मतलब प्रिंसिपल्स नहीं पढ़ने, कुछ भी हमने थ्योरेटिकल चीजें नहीं पढ़नी है, सब जनरल सी बात है, वो हम जब पढ़ेंगे समायोजन, या जैसे हेरिडिटी एनवायरनमेंट में भी मैंने काफी हद तक समझा रखा है कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि इनको अफेक्ट करते हैं, और उसी को ध्यान में रख के हम कैसे एडजस्ट एक बच्चा कर सकता है। इसके अलावा व्यक्तिगत विभिन्नता और इसके जो शैक्षिक प्रभाव होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता जो कि अगर आप देखेंगे जो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है उसी में से एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट प्रिंसिपल है, जो कि है व्यक्तिगत विभिन्नता। तो इस पर हमने चर्चा की थी व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है, इस पर हम डिटेल में अलग से चर्चा करेंगे, वो कैसे करेंगे, जिसमें कि हम ये देखेंगे कि अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड से आने वाले बच्चों की हम बात करेंगे। डाइवर्स बैकग्राउंड का मतलब यहाँ पे सोशल भी है, फिजिकल भी है, और काफी हद तक हम इमोशनल भी देखेंगे कि किस प्रकार से होता है, और इंटेलेक्चुअल जो अलग अलग बैकग्राउंड होता है बच्चों का उसकी भी हम बात करेंगे। तो जब हम पढ़ रहे होंगे इंक्लूसिव एजुकेशन उस वक्त ये सारी चीजें वहां पर कवर होंगी। फिर है शिक्षा और अधिगम, अधिगम के विभिन्न तरीके कौन कौन से होते हैं सीखने के, जैसे कि अवलोकन, अनुकरण, स्मृति, दृष्टिकोण, अनुसंज्ञान, कौशल और सूचना प्रक्रियंगम, मतलब कि प्रोसेसिंग, ये सारी चीजें इसमें है। इसके अलावा भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत जो हम पढ़ेंगे, थोंडाई की थ्योरी हम कवर करेंगे, प्रभाव का सिद्धांत, लॉ ऑफ इफेक्ट जो कि थोंडाई का दिया हुआ सिद्धांत है, और अंतर्दृष्टि यानी कि इनसाइड थ्योरी जो कि कोहलर की है। तो ये पूरा सीडीपी का सिलेबस है, ये बहुत ही शॉर्ट सिलेबस है, मैंने इससे ज्यादा बात की थी कि मैं जो आपको कराने जा रहा हूँ वो तो कुछ नहीं है, मेरे हिसाब से ये 50% सिलेबस होगा जो चीजें मैंने आपको कही है कि मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो 50% ही है, हम क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि मैं एक्स्ट्रा करा रहा हूँ आपको करना चाहिए, आप करिए, ये आपका अपना डिसीजन है। आप मेरी सलाह मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको ये कहूंगा कि पहले जो सिलेबस ऑफिशियली दिया गया है उसको खत्म कर लीजिए, उसके बाद समय निकालना है आपको, समय बचे ये नहीं सोचना, समय निकाल के आपको कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा अपनी तरफ से एफर्ट, जैसे कि वही वाली बात है जो मैंने आपको बताया कि जब जैसे इसमें डायमेंशन बता रखे हैं डेवलपमेंट के, तो सिर्फ शारीरिक, बौद्धिक, सांवेगिक एवं भाषा, इन चार पे बात कर रखी है,
लेकिन और भी एस्पेक्ट्स होते हैं डेवलपमेंट के जिसे नैतिक होता है, जिसकी चर्चा इसमें बिल्कुल नहीं कर रखी है। मोटर डेवलपमेंट जिसको कि हम गामक विकास या क्रियात्मक विकास कहते हैं, उसको यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा और क्वेश्चंस उसमें मुझसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि झारखंड टेट अभी तक दो बार हुआ है और उसका क्योंकि हमारे पास कोई क्वेश्चन पेपर भी नहीं है अवेलेबल, ऑफिशियली कुछ भी अवेलेबल नहीं है, सिलेबस भी अभी आया है, आप देखिए कब से ऑनलाइन एप्लीकेशन चल रहा है और अब जाके सिलेबस आया है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप ये कह लीजिए कि हम अंधेरे में तीर चला रहे थे, लेकिन अंधेरे में तीर हम ऐसे ही नहीं चला रहे थे, हम सोच समझ के, हमारे पास प्रॉपर एक गाइडेंस के रूप में एक सिलेबस सीटेट का था जिसको कि हमने फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे, और जितना हमने अभी तक किया है हम इस ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम थोड़ा इधर या उधर चले गए हैं, बल्कि हम इससे एक्स्ट्रा कर रहे हैं। आप ये कर सकते हैं कि हाँ आपको लग रहा है कि ये एक्स्ट्रा है, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, तो आपका अपना डिसीजन है, आप रिस्क ले सकते हैं, आप चाहें तो वो चीजें अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या है कि मैं नहीं चाहता कि आप रिस्क लें, मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से तैयारी करें, इसलिए मैं सारी चीजें कवर करूंगा। ये बहुत ही छोटा सिलेबस है, ये सब चीजें ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि ये सारी चीजें हम करने जा रहे हैं, और इसमें से अगर आप देखेंगे तो 10% चीजें हम कवर कर चुके हैं। शारीरिक मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, बौद्धिक में आप देखेंगे तो मैं 50% करा चुका हूं, बस इसमें तीन इंपॉर्टेंट थ्योरी रह गई है, पियाजे, वाइगोत्स्की और ब्रूनर की, वो अभी मैं एक दो दिन में लेक्चर अपलोड कर दूंगा, वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। इसके अलावा ये मैं हमारा कंप्लीट हो गया वृद्धि और विकास, इसकी अवधारणा सारी चीज हम समझ चुके हैं, विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं वो हम कवर कर चुके हैं, हेरिटेड एनवायरनमेंट ये हम कवर कर चुके हैं। तो लगभग 10% सिलेबस हमारा कवर हो चुका है, 90% सिलेबस तो देखिए आप अगले 6-7 लेक्चर में ही आपको दिखेगा कि 90% चीजें कंप्लीट हो रही हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटी चीज है, आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। दिक्कत है उनके लिए जो मैथ्स का सिलेबस है वो बहुत ही टफ सिलेबस है, सिर्फ इतना मेंशन कर दिया है, कैलकुलस, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और इन सब में बहुत सारी चीजें हैं। हालांकि आपको गाइडेंस के लिए जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है मैट्रिक्स लेवल पे, उनको कहा गया है कि आप एक तरीके से गाइडेंस के रूप में उनको देख सकते हैं, उसके अनुसार तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूंगा कि मैथ्स में बेसिक 4-5 टॉपिक दे रखें, लेकिन ये टॉपिक इतने ज्यादा हैं कि अकेला मैथ्स और ये सारी चीजें एक तरफ, कुछ इस प्रकार से सिलेबस डिजाइन किया गया है, जो कि मेरे को लगता है कि सिलेबस बिल्कुल भी रिलीवेंट नहीं है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जिस उद्देश्य से कराया जाता है उसके अनुसार सिलेबस बिल्कुल भी रिलीवेंट नहीं है, और इन चीजों को लेकर एक चीज हम और गेस कर सकते हैं कि क्वेश्चन का नेचर भी बहुत ही अलग देखने को मिलेगा। जितना मैं समझ पा रहा हूं आप देखेगा सीटेट में जो क्वेश्चन होते हैं मोस्टली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं, लेकिन यहां पर आपको क्वेश्चन जो है वो फैक्चुअल ज्यादा मिलेंगे। हो सकता है आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए जो कंडीशनिंग है, जो कनेक्शनिज्म है वो किसने दिया था, या कोई व्यक्ति जैसे कि थॉर्नडाइक वो किस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में बिलीव करते हैं, किससे संबंधित हैं, इस प्रकार से सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फैक्ट्स पे हो सके तो ज्यादा ध्यान देना है हमें, थ्योरी समझ ले काफी है, फैक्ट्स पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करूंगा, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।